हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एच बी सूरज प्ले में। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है, मारा है बहुत बुरी तरह। आई मीन लाइक बैटिंग आपकी टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रही है, लेकिन क्या रूथलेस बॉलिंग है। आया कि इंडियन क्रिकेट टीम को क्या हो गया, जहां पे भी आप देखें वो जीते हुए नजर आएंगे, वुमेन्स हो मेन्स हो जो भी हो। अरे एक शर्मा गया और दूसरा शर्मा आ गया, उसका नाम है अभिषेक शर्मा। क्या बैटिंग किया लड़के ने, मतलब आप अंदाजा लगा लो। ऐसा पकड़ के बजाया कि उनकी भाई आत्मा रोल दिया, पकड़ के सही मायनों में पकड़ के घंटा बजा दिया भाई। इंडिया ने बता दिया आज फिर कि जहां तीन आउट हो चार आउट हो, भैया हमने तो खेलना है वो उसी हिसाब से खेलना है जिस हिसाब से हमें प्लान बना के दिया गया। जो प्लान होता है ना, मैनेजमेंट का एक प्लान होता है या सिलेक्शन का जो प्लान होता है, वो नजर आता है कि खिलाड़ी उसको पूरा करते हुए भी नजर आते हैं। जहां पे भी आते हैं अगली टीम को पेल देते हैं। यार ये क्रिकेट ना होगी, ये तो शुगल मेला हो गया। क्या ही अच्छा होता और क्या ही अच्छा होगा कि इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी फास्ट बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। यार इंडिया वालों, तुम लोग भाई बहुत बड़े चीटर हो यार। क्या खाकर भाई तुम लोग ग्राउंड में उतरते हो? सबसे पहले तो भाई इस इंडियन टीम का भाई डीएनए टेस्ट होना चाहिए यार। ये लोग इंसान नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ भाई। ये लोग भाई कोई और भाई एलियन लोग है भाई। ये लोग टीम जीत क्यों रही है, इसके पीछे क्या ऐसी प्लानिंग है, क्या ऐसी सोच है, क्या अप्रोच है, क्या सिस्टम है कि ये टीम जीत रही है? ये टीम पहले नंबर T20 में भी है, रैंकिंग में वनडे में भी फर्स्ट पे है, टेस्ट में भी फर्स्ट में। कोई ना कोई ऐसी चीज तो है ना। भारत जो है उसने बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत फर्क है। और हमने देखा कि भारतीय स्पिनर्स ने बिल्कुल एक तरह से कमर तोड़ के रख दी। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन क्रिकेट। यार क्या मतलब, मुझे बता दो ना यार, या चुप कर दो। इंडिया हमेशा अपने हर नंबर पे आने वाले बैट्समैनों के साथ, हर नंबर पे आने वाले बंदों के साथ भाई वो परफॉर्म कर जाते हैं, ट्रस्ट शो करते हैं और अपनी टीम को पकड़ कर मैच जितवाते हैं। मेरे घंटे किकिंग निकल। ओह माय गॉड, व्हाट हैव ही परफॉर्मड एंड क्या परफॉर्मेंस थी भाई। मतलब मैं वहां पे कमेंटेटर होती ना तो मैं तो वहां पे बेहोश हो जाना था। मैं वहां पर अगर स्पेक्टेटर होती ना, इवन मैं देख भी रही होती तो मैंने कसम से वहां पर गश खा लेना था। वो तुम्हारी समझ आए, तुम एग्जीक्यूट करो। जब कप्तान का ये वाला कॉन्फिडेंस बॉलर के साथ या ये वाला कॉन्फिडेंस बल्लेबाज के साथ मौजूद हो कि यार जो तुम कर रहे हो मुझे तुम पर बिलीव है, तुम मुझे ये बताओ तुमने गेंद किस तरफ करनी है, मैं फील्ड कहां सेट करूं। इन सम पॉइंट आपने बोला था कि इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बड़ा जबरदस्त है। कोचिंग के बारे में आपने बताया, जो एक्सीलेंस का ही चल रहा है जब से इंडिपेंडेंस मिली है उनको, कोई चेंजेस नहीं हुआ। एक्सीलेंस का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है नेशनल एनसीए जो है उनका, कि पहले वहां पे राहुल द्रविड़ होते थे, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री, एंड देन राहुल द्रविड़ वेंट फ्रॉम देयर टू बी द हेड कोच ऑफ द इंडिया टीम। भाई ये शुक्र है पाकिस्तान की टीम भी सुबह मान से जीती, नहीं तो भाईजान मोहे मोहे प्रोग्राम हमारा बढ़ जा रहा था। हम लोग इमर्जिंग से भी हम लोग से इंडियन क्रिकेट टीम को ट्रॉल किया जाता था कि इनकी जो बॉलिंग है बहुत अच्छी, इंडियन की बॉलिंग नहीं अच्छी, इंडिया साढ़े 300 करके इंडिया के पास भागते हैं स्पिनर्स है। लेकिन अब पूरी दुनिया पाकिस्तान को कहते हैं कि भाई इनके पास खड़े होकर भी स्पिन वाले स्पिनर नहीं है, इनके पास भागते स्पिनर भी नहीं है। बहुत मारता है यार ये अभिषेक शर्मा, ये खाता क्या है यार, जो 15-15 गेंदों के अंदर 50-50 बना रहा है और आज भाई इस बंदे ने यू छिद रोल कर डाली है। जो ट्रांजैक्शंस आपने की थी और जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की थी फास्ट बॉलिंग में, वो आप गंगोली के जमाने से लेके धोनी तक ले हैं और धोनी से लेके विराट कोहली से होते हुए रोहित शर्मा तक ले हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स आपको नजर आ रही हैं। और सिराज, शमी, बुमराह, और ना सिर्फ हिंदुस्तान बोर्ड आई थिंक और आपकी मैनेजमेंट, आई थिंक इनको मुबारकबाद देनी चाहिए क्योंकि जिन्होंने इन्वेस्ट किया लड़कों पर और उनको आगे लेके आए। भाई मुझे ये बता दो, इंडिया वालों इतने बल्लेबाज कहां से लाते हो, क्या खा के पैदा करते हो ऐसे बल्लेबाज के, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज इंडिया के पास आए जा रहा है आखिर कर दिए यार। मतलब कि यहाँ पे एक पुराना नाम भूलते नहीं, अभी नए लड़के आए हुए, जयसवाल हो गया, गिल हो गया, रिंकू हो गया, अब और भी। रीजन आपको सबसे पहले बताता हूँ, देखिये एक 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 चीज देखें, अब आप देखें कि प्लेयर्स किस तरह, प्लेयर्स की डेवलपमेंट जो है वो बहुत ही हाई क्लास किस्म की है और उसके साथ साथ इतनी जबरदस्त किस्म की प्लानिंग है प्लेयर्स को, ये जो यूज करते हैं वो बहुत क्लास किस्म की जो है वो प्लानिंग है। मतलब अब इंडियन टीम, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन टीम अब प्रॉपर एक, मुझे नजर आ रही है कि एक जो एक सिस्टम होता है ना, सिस्टम से एक चीज चल रही होती है। देखिए इंडिया करती है एक, वो टीम वर्क करती है, वो प्रैक्टिस करती है पहले, ठीक है, अच्छा खासा उनका पता होता है कि हार्ड वर्किंग होती है उनकी। हमारे पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा हार्ड वर्किंग। टीम इंडिया ने पकड़ के बजाया। और सबसे पहले जो बॉलिंग की बात करूं, मैं हर बंदे ने आके अच्छी बॉलिंग की है, मैं किसी एक का नाम लूं तो किसी के साथ ज्यादती हो जाएगी, मैं किसी एक को बोलूं तो भाई किसी दूसरे के साथ ज्यादती हो जाएगी, सब ने आके जबरदस्त बॉलिंग की है। मेन टीम इतनी अच्छी है, इंडिया अंडर-19 की लेगेसी इतनी अच्छी है, आज कमाल की बारी खेली और यही बारी सूट करती है इंडिया जैसी क्रिकेटिंग नेशन को। यार आप इतने बड़े बोर्ड, आप माड़ा मोटा 150 ना करो, आपके जब बैट्समैन बारी करें तो अच्छी तगड़ी बारी करें। बड़ी शानदार थी दोनों की, हमने देखा है आईपीएल में जिस तरीके से खेलता है प्रभसिमरन सिंह,
ही वॉज अमेजिंग, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। उसने तो आके जैसे अटैक किया, शुरू में वही अटैक किया जा रहा था। भाई कौन लड़का है यार ये जो इतना भाई एशिया कप में तो भाई फेर रखी है इस बंदे ने। शुक्र है कि भाई पाकिस्तान के गेस्ट वो क्या नाम है भाई वो स्पिनर जिसने उंगली दिखाई थी वो विकेट लेने के बाद दिखाई थी, विकेट लेने से पहले अगर दिखाता तो शायद फिर रिजल्ट कुछ और हमें देखने को मिलता, ठीक है ना। वो तो भाई शुक्र है कि अब दोबारा भाई इंडिया के सामने हमारा मैच ना है, और ये भाई अभिषेक शर्मा उस बॉलर को मारेगा ही मारेगा, ठीक है। क्या रीजन हो सकती है? लुक पीपल वांट टू नो दिस, यू गाइस यू नो कैन एक्सप्लेन अस, क्लियर टू मी एज वेल, कि हाउ कम उनकी जब बैटिंग आती है ऑपोजिशन की वो स्पिनर्स को निकल के भी मार रहे होते हैं, इनसाइड आउट भी जा रहे होते हैं, स्वीप भी मार रहे होते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे हर इंडिविजुअल के खिलाफ एक अपना एक प्लान तो होता है, बट उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर नजर आए। अब ये जो कोचिंग स्टाफ है या कप्तान है या इवन सिलेक्टर्स हैं, ये सब मिलके, हो सकता है बीसीसीआई भी इन्वॉल्व हो इसमें, ये सब मिलके क्या प्लानिंग के साथ सिस्टम चल रहा है? देखें जिस तरह इनकी प्लानिंग नजर आ रही है ना, मुझे प्लेयर्स को कब खिलाना है, किसको रेस्ट कराना है, किसको क्या कराना है, किसको किस नंबर पे खिलाना है, ये जो चीजें होती है ना, इसमें आपका क्रिकेट बोर्ड, आपके सिलेक्टर्स, आपका हेड कोच, आपका कैप्टन, ये चारों जब तक एक पेज पे नहीं होंगे आपका सिस्टम नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बनेगा। उसकी मैं मिसाल देता हूं, ज्यादा दूर नहीं जाते, आपने देखा होगा जब भी वेस्ट इंडीज का टूर होता है इनके 5-6 प्लेयर रेस्ट पे चले जाते हैं और वेस्ट इंडीज को हरा के आ जाते हैं, ठीक है। कैप्टन कभी हार्दिक पांड्या होता है, कभी के राहुल होता है, जब मेन टीम खेलती है रोहित शर्मा होता है, मतलब कैप्टन चेंज होते रहते हैं। जिम्बाब्वे या कोई भी वीक टीम से मैच खेलती है, आप इनके पूरे मेन प्लेयर्स मैच नहीं खेल रहे होते, ठीक है। आपने एशिया कप में देखा कि सिराज को रेस्ट करवाया गया, ठीक है, फाइनल से पहले, फिर शर्मा खुद नहीं खेले, विराट कोहली नहीं खेले, जडेजा नहीं खेले, हार्दिक पांड्या नहीं खेले, कुलदीप यादव नहीं खेले, मतलब इस वजह से कि यार अनफिट ना हो जाए हमने फाइनल खेलना, फाइनल भी नहीं। रोहित शर्मा को मैं दोबारा आपको याद दिलाता हूँ, उसने एशिया कप के फाइनल की बात नहीं की थी, उसने बोला वर्ल्ड कप। ये इंडिया के यंग गन्स के लिए, इमर्जिंग टैलेंट के लिए ये प्रैक्टिस सेशन था, ऐसी क्या वजह है कि उनके पास एक से एक बढ़ के बॉलर, बैट्समैन, फील्डर, ऑलराउंडर बड़े बड़े पास डोमेस्टिक है, उनके पास रणजी ट्रॉफी है, उनके पास गांधी ट्रॉफी है, उनके पास रेलवे है, उनके पास हर फॉर्मेट की क्रिकेट है, फिर वो आईपीएल में आते हैं, आईपीएल के अंदर 100 में से 5 बंदे सेलेक्ट होकर इंडिया की तरफ से आते हैं, और वो जो 5 होते हैं ना वो पूरी दुनिया की क्रिकेट की टांगे उठा के मारते हैं। एशिया कप आप जीते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया? 80% कंफर्म है इंडिया पाकिस्तान का फाइनल अगर हो जाता है। 100% जिस तरह इन लोगों ने भाई पूरा टूर्नामेंट भाई क्रिकेट खेली है भाई, क्या गजब की बोलें की है भाई हमारे पाकिस्तानी घंटे बॉलर, और सीख लो कुछ घंटे के बच्चों कि भाई किस तरह बॉलिंग कराई जाती है। ये इंडिया की मेन टीम इतनी अच्छी है, इंडिया अंडर 19 की लेग, उतने मशहूर नाम नहीं नजर आएंगे जो इस आईपीएल में छाएंगे। आप देखो एक अभिषेक ही आपको उस तरह से पोटेंशियली इंटरनेशनल वाला नाम मिलेगा, तिलक वर्मा अभी तक उतना इंप्रेसिव रहा नहीं है, प्रभ सिमरन का हमने आईपीएल में देखा, पंजाब किंग्स, आयुष बदोनी, लखनऊ, तो इसी तरह बाकी सारे भी हैं, आईपीएल का ही प्रोडक्ट है। बट मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं अभी तक सिर्फ अभिषेक शर्मा से इंप्रेस हुआ हूं, बाकियों की जो सलाहियत है ना, बाकियों ने अपनी सलाहियत के हिसाब से अभी तक नहीं खेला जो 2 मैचेस हुए हैं। आप देखो मतलब ठीक है आपके कंबोज जी की विकेटें आ गई पाकिस्तान के खिलाफ, आपके आज अभिषेक के रन आ गए, बट व्हाट अबाउट आयुष बदोनी? मतलब मैं उस लड़के के लिए बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, वो लड़के का जो पहला आईपीएल था, और अब आप देखो वो लड़का वो नहीं रहा यार। व्हाट अबाउट प्रभ सिमरन? व्हाट अबाउट अदर गाइज यार? व्हाट अबाउट निहाल वडेरा? यही निहाल वडेरा जब आईपीएल में खेलता है तो तबाहियां उड़ाता है, यहाँ पर पता नहीं ऐसे क्या होगा, और यहाँ से फ्लैट विकटें तो कहीं भी नहीं मिलेंगी यार, इतनी फ्लैट विकटें, इतनी हल्की बॉलिंग, आज भी आप देखो कितनी हल्की बॉलिंग है यार, उसको फिर इंडिया ने अपने हिसाब से बचाया। तो भाई आप क्या करोगे? ये लड़के बड़ा कंसर्निंग है मेरे लिए अभिषेक शर्मा के अलावा, क्योंकि मैं इनका पोटेंशियल जानता हूँ, मैंने आईपीएल के प्रेशर मैचेस में वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप के आगे प्रभ सिमरन को देखा हुआ है, इसको प्रभ सिमरन को देखा है, निहाल वडेरा को देखा है, आयुष बदोनी को देखा है, अभिषेक को भी देखा है, वो कर रहा है, बट बाकी लड़के नहीं कर रहे। इंडिया की एक बड़ी जीत आ गई यूएई के खिलाफ, और ये एक्सपेक्टेड था इंडिया जीतेगा, अभिषेक शर्मा ने अपने एक अच्छा फ्लो कंटिन्यू किया, छोटी टीम के हिसाब से उसको उसी तरह ट्रीट की और अच्छी हासी विफ्टी की, और वो तो जो करता है वो कर रहा है, बाकियों का मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। बाकी पाकिस्तान का भी मैच हुआ, पाकिस्तान भी जीता, हैदर अली जैसे सिफारशी बंदे को निकाला, टट्टू को निकाला, तो आप देखें कैसे जीता यार, रोहेल नज़ीर परफॉर्मर ने परफॉर्मेंस दिखाई है, अरफात मिनास ने फिर रन किए हैं, आप देखो कासिम अकरम ने फिर रन किए हैं। तो भाई ये पाकिस्तान इंडिया दोनों के लिए लेसन है कि भाई डोमेस्टिक को इज्जत दो,
बड़े नामों पे ना जाओ, हैदर अली या इंडिया भी कोई बड़े नामों पे जाए भाई, जो बच्चे एक भूख पैदा हुई है उनके अंदर, वो हारने का नाम ही नहीं ले रहे, सिर्फ जीतते जा रहे हैं, सिर्फ जीतते जा रहे हैं और जीत रहे हैं और परफॉर्मेंस उनकी निखर के आ रही है। आप देख ले जो भी प्लेयर घर से भी उठा के आप उनको प्लेयर को खिला दे, वो आके परफॉर्म करके रातों रात सुपर स्टार बन जाते हैं। आप रिंकू को ले ले, तिरक को ले ले, जिस मर्जी प्लेयर को आप उठा के रख ले यार, वो वेज फिनिशर, वेज मैच विनर, टेल एंडर, हर चीज का, हर हर सुखा स्ट्राइक रेट शायद हम पाकिस्तानियों ने ख्वाब में देखा होगा, इंडिया के बच्चे अगर 250 के स्ट्राइक रेट से मारे उनके बड़े भी हम सोच भी नहीं सकते। शायद अफरीदी के बाद आप मुझे दिखा दो कोई इतने तेज क्रिकेट खेलने वाला कोई आया हमारी टीम में, कोई टिक्के खेलने वाला बंदा आया कोई हमारे पास? हमारा जो टीम का सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है ना T20 में 129 है बाबर आजम का, उसके अलावा कोई भी 129 से ऊपर नहीं गया। मतलब आप इस सोच लगा ले, अभिषेक शर्मा कल का बच्चा है और उसका 250 का स्ट्राइक रेट, और इस टाइम इंडिया का प्लेयर्स जो है वो टॉप पे जा रहे हैं। अब सबसे ज्यादा ट्रेविस हेड के बाद इंडिया का प्लेयर है जो सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है T20 में, जायसवाल जो सबसे ज्यादा, और दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा की बात करें अभी तो इसने इतने मैचेस खेले नहीं है, मैं कहता हूँ आने वाले वक्त में ये ट्रेविस हेड से भी ऊपर होगा। आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है कि जो युवराज सिंह चले गए थे उसकी कमी महसूस हो रही थी इंडियन टीम को, वो कमी महसूस आपके अभिषेक शर्मा पूरी करने वाले हैं क्यों? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर आज अभिषेक शर्मा ने जैसे 250 स्ट्राइक रेट से 50 मारा है, किसी ना किसी टीम के खिलाफ वो नाइटमेयर बनता है। इंडिया के यंगस्टर्स, पाकिस्तान के यंगस्टर्स, बाकी दुनिया के यंगस्टर्स में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? इंडिया की आप बात ना करें, इंडिया का आप लोकल जनरेशन देख लें, शुरू से लेकर एंड तक देख लें, इंडिया की कमाल की बैटिंग, इंडिया की ओवरऑल इंडिया देख लें, इंडिया कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंडिया आउटस्टैंडिंग 11 ओवर में 111 रन चेज कर दिया, ठीक है। अभिषेक शर्मा देख लो 250 की स्ट्राइक रेट थे, उसने स्कोर कितना बनाया, 60 रन आ गया खेला, ठीक है ना, जैसे। और पीछे देख ले पाकिस्तान से मैच जीते, वन सेट मैच पाकिस्तान से भी जीत गए वो, हालांकि पाकिस्तान में दो तीन प्लेयर ऐसे थे जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पर, जमान खान हो गया, हैदर अली हो गया, मोहम्मद हारिस हो गया, तीन चार प्लेयर ऐसे हैं जो मुसलसल इंटरनेशनल लेवल मैच खेले, वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं, बिल्कुल हमारी ए प्लस प्लस टीम के अंदर खेल रहे थे वो लोग, उन्होंने उनसे हाथ से मैच छीना, देख लें, ठीक है ना, आपके सामने उन्होंने उनके हाथ से मैच छीना, चार प्लेयर थे उनके जो T20 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं, हमारे वनडे वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं, उनसे मैच जीते हैं इंडिया। अब इंडिया के पास सिर्फ दो सीनियर थे, जो सीनियर नहीं जूनियर, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा, ये दोनों ने पाकिस्तान को मारा था, वो अभी वो भी जूनियर है, सीनियर नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना, अभी वो ऊपर लेवल वाले, जो हमारे पाकिस्तान के चार प्लेयर खेले ना उनसे कम तजर्बा था, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने हाथ से गेम निकाली है, ये तो फिर भी 111 रन देख लें आपके सामने उन्होंने चेज कर लिया, आगे भी देख लें, ये वर्ल्ड कप उनका ही है, ये इमर्जिंग एशिया कप इंडिया जीता जा रहा है, वन साइड पाकिस्तान कहां नजर आ रहा है आपकी? सर बिल्कुल की ऐसी बात है, पहले पाकिस्तान को रुलाया, अब यूएई की बारी थी, जैसे अब अभिषेक शर्मा परफॉर्मेंस दे रहा है, पहले पाकिस्तान के मैच में, दूसरे इसमें वो पावर प्ले में 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, एक मतलब 100 रन का टारगेट है उसके पास, 300 का स्ट्राइक रेट अभिषेक शर्मा, यार आउटस्टैंडिंग अभिषेक शर्मा के लिए, तो ये यूएई के बॉलर्स बच्चे हैं, जिस तरह से वो परफॉर्म करते हैं बड़ी टीमों के खिलाफ, उसके मुखालिफ बुमराह भी खेला आईपीएल में, वो तो यार अब बला बन चुकी है अभिषेक शर्मा, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है, जायसवाल से भी, इसलिए इस टाइम जायसवाल से भी हाईली रेट किया जाता है अभिषेक शर्मा को, पहले पाकिस्तान की बारी लगाई है उसके बाद अब यूएई की बारी। अब बॉलिंग में बात करें, जो 103 रन पे उनको रोक दिया, तो रमनदीप सिंह और रिकेश सलाम, राशिक सलाम, क्या क्या बॉलिंग करवाया यार, मजा आ गया कि हमारे तो यार, हम कहते थे कि हमारे तो सीनियर बॉलर गए हैं, जमान खान गया, अब्बास अफरीदी गया, मोहम्मद हारिस गया, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, कोई भी परफॉर्मेंस, जीरो परफॉर्मेंस, हालांकि सबसे ज्यादा स्कोर भी हमारे सीनियर बॉलर्स को लगा, जमान खान को लगा और अब्बास अफरीदी को लगा, और उनके जो यंगस्टर हैं वो इस तबाही मचा रहे हैं इस टाइम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। मतलब इंडिया की टीम इस वक्त सीनियर तो सिर्फ वो कहते हैं ना बड़े मियां छोटे मियां, सुभान अल्लाह। अगर देखा जाए तो इस टाइम इंडिया के छोटे हो बड़े हो, वुमेन्स हो मेन्स हो, जो भी हो, जीत के लिए भूख है उनके अंदर, एक भूख पैदा हुई है उनके अंदर वो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप लोग देख रहे हैं HP सूरज प्ले। फ्रेंड्स, अगर आपको भी मेरी तरह भारतीय टीम ए ओमान के खिलाफ शानदार जीत से खुशी हुई है तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो का हेल्प्स में देखा, इंडिया ए टीम की शानदार जीत ओमान के खिलाफ को देखकर पाक मीडिया हैरान है, खुश से परेशान है, एकदम जो भी बोल सकते हैं, अपने हाईलाइट में देखी जाओ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी मैच को डिटेल्स में रिकॉर्ड करते हैं बड़े ही प्यार से आपके लिए। फ्रेंड्स, इंडिया ए ने बुधवार को ओमान को 6 विकेट से हरा दिया। भारत ने टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज में अपने तीनों मुकाबले जीते हैं। सेमीफाइनल में भारत का सामना अफगानिस्तान से होगा। वहीं इस जीत के साथ ही भारत ग्रुप बी में पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर पहुंच गया। ओमान ने बुधवार को इंडिया ए के खिलाफ इमर्जिंग एशिया कप के 12वें मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 140 रन बनाए। इसके जवाब में भारत ने आयुष बदोनी के 68 की बदौलत 28 गेंदों पर रहते मैच अपने नाम कर लिया। भारत ने इमर्जिंग टीम एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जहाँ उसका सामना अफगानिस्तान से रहेगा। 141 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम का चौथा ओवर में ही पहला झटका लग गया था। सलामी बल्लेबाज अनुज रावत 11 गेंद पर 8 रन ही बना सके थे। अभिषेक शर्मा 15 गेंदों पर 34 रन बनाकर आउट हुए। आयुष बदोनी 27 गेंदों पर 6 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 51 रन बनाकर आउट हुए।
नेहाल वडेरा एक रन ही बना सके। तिलक वर्मा ने 30 गेंदों पर नबाद 36 रन बनाए। ओमान को 4 गेंदबाजों को 1 विकेट लिए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी ओमान की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी फ्रेंड्स। टीम के ने पावर प्ले में ही 3 विकेट गंवा दिए थे। आमिर 10 गेंदों पर 13 और कप्तान जतेंद्र सिंह ने 13 गेंदों पर 17 रन और करण के ही बना सके। वसीम अली ने 24 गेंदों पर 28 रन बनाए। मोहम्मद नजदीम ने 49 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हुए। ओमान की ओर से नदीम सबसे ज़्यादा 41 रन बनाए। भारत के लिए 5 ने विकेट झटकाए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। फ्रेंड्स तब अगर आप चैनल पर नए हो तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मेरी मेहनत सफल हो जाएगी। फ्रेंड्स एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।